Assalamu alaikum, my name is Van Cheema and welcome back with another video of Capital Smart City Walking Tales episode 10. और इस वीडियो में आपको मैं स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसके बारे से बताऊँगा। इस बिल्डिंग का बेसिकली नाम है हार्मनी हाइट्स और ये हार्मनी पार्क अपार्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका इससे कोई लिंक नहीं है क्योंकि वो जो हार्मनी हाइट्स अपार्टमेंट्स हैं, हार्मनी ब्लॉक अपार्टमेंट्स हैं, वो अपोजिट साइड पर इस साइड बन रहे हैं रोड की दूसरी तरफ। और ये जो बिल्डिंग बन रही है जिसकी एलिवेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बिल्डिंग का नाम है हार्मनी हाइट्स, जिस पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसका मैं एरिया वगैरह चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके टोटल अगर फ्लोर्स काउंट की जाएँ तो दो बेसमेंट की कार पार्किंग है और ग्राउंड फ्लोर रेडी है एंड फर्स्ट फ्लोर रेडी है। उसके अलावा ऊपर सेकंड फ्लोर की जो कॉलम्स होते हैं उनके तकरीबन जो स्टील का काम है मुकम्मल हो गया है और बस यहाँ पर भी कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो डालना है और उसके बाद आई थिंक सेकेंड फ्लोर की भी लेंटर डालेंगे और दूसरा फ्लोर कम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद थर्ड फ्लोर की बारी आ जाएगी। इस साइड पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मैसिव तादाद में सरिया ऑलरेडी साइड पर पहुँचा दिया गया और ये कुछ अनलोड होने वाला भी रहता भी है। इस बिल्डिंग का एलिवेशन दिखा देता हूँ कि एलिवेशन किस तरह से है, कितना एरिया होगा इसका। ओके, ये इसके एलिवेशन है ओवरऑल। टोटल जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं 11 है। प्लॉट एरिया बनता है 1,07,000 स्क्वायर फीट। ये बाद में आपको कनाल में निकाल के मैं बता दूंगा, वरना आप इसको डिवाइड बाय 225 कर लें मरले आ जाएंगे, डिवाइड बाय 20 कर लें तो आपके पास कनाल आ जाएंगे कितना एरिया बनता है आपके पास टोटल इस स्पेस का। टोटल जो कवर्ड एरिया इसका है दैट इज़ 4,02,000 स्क्वायर फीट। और इसमें जो चीज़ें हैं सेलेंट फीचर्स हैं वो हैं इसमें रूफटॉप एंड रिक्रिएशनल स्पेस, रूफटॉप जिम एंड रिक्रिएशनल स्पेस, बेसमेंट पार्किंग 200 कार्स, सेंट्रल कोर्टयार्ड जो मैंने बताया 2 फ्लोर्स हैं नीचे वो 200 गाड़ियों की पार्किंग है एंड सेंट्रल कोर्टयार्ड यानी इसकी जो सेंटर में स्पेस है वो खाली है तो वहाँ पे इजीली वॉक कर सकते हैं, बड़ा इजीली वॉक करना होगा। और नंबर 3 ये भी आता है इसका मैंने चीज़ देखी है 1 एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। अब 1 और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 बेडरूम के साइज अपार्टमेंट ऑफर किए जाएंगे और मे बी वो पेंट हाउस हों जो दूसरे साइज़ के हों, लेकिन वैसे ओवरऑल जो अपार्टमेंट ऑफर किए जाएंगे वो 1 और 2 बेडरूम के होंगे। बाकी इसमें सेंट्रल कोर्टयार्ड में जो छोटी बेसमेंट में, बल्कि इनफैक्ट बेसमेंट में जो चीज़ें होंगी उसमें आपकी लॉन्ड्री शॉप और बाकी जिस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी अवेलेबल होंगी। और इसमें टोटल जो स्पेस आपके पास बनेगी ये जो प्लाजे का साइज़ है दैट इज़ 23 कनाल और 23 कनाल में आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा, बाकी उस तरह की छोटी मोटी शॉप हो अंदर बट बाकी स्पेस जो सारी है वो रेजिडेंशियल के एरिया पर ही यूज़ होगी। ये इसकी ओवरऑल एलिवेशन है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ मेन रोड की साइड से। इसकी जो एक्सेस है वो बड़ी इजी है, यानी जो मेन R1 रोड है जिसकी विड्थ 200 फीट उसके ऊपर है। ये क्रेन्स काम कर रही हैं यहाँ पे और ये एलिवेशन है बेसिकली एक्सटीरियर प्लाजा की, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। जब ये कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अभी पता टाइम नहीं है, उस तरह से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। मैं थोड़ा डिस्टेंस से जाके आपको दिखाता हूँ चीज़ें कि कितना बड़ा प्लाजा ये है। 23 कनाल बहुत बड़ा साइज़ होता है, यानी 23 कनाल का मतलब है कि आपका 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 24 कनाल तकरीबन 3 एकड़ बनते हैं, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। ये इसकी बैक साइड पर रिटेनिंग वॉल है, इसके साथ ये इसकी फ्रंट एलिवेशन जो मेन रोड से नज़र आएगी और ये मशीन जो अभी काम कर रही हैं। और नीचे बेसमेंट में जाने के लिए ये पार्किंग के लिए ये रास्ता यहाँ से होगा या उस साइड से होगा, अभी चूँकि इस तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो वो चीज़ें बाद में क्लियर होंगी। ओके, बहरहाल जब ये कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली अपने ओन पे एक मास्टरपीस होगा, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग इससे पहले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो नए लॉन्च होते हैं उन पे कंपनी की तरफ से इटसेल्फ लॉन्च नहीं की जाती, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी इटसेल्फ इसकी प्रोजेक्ट लॉन्च करी। ये ब्लॉक ईग रोड जाता है और ये सामने वाली साइड पर आर्मी पार्क और सीजीज को, और ये जहान डैम की प्रीमिसेस के साथ रोड जाता है वहाँ जाता है। और ये उसकी ओवरऑल ऑन ग्राउंड जो भी स्टेटस है एलिवेशन का वो कुछ यूँ दिखाई देता है। सो व्यूअर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे।
अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।